के पहले ही दिन नागपुर शहर के पाचपौली पुलिस थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया था। अब इस हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पाचपौली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाचपौली थाना क्षेत्र में 1 जनवरी को हत्या का मामला सामने आया था। राजेश मेशराम नामक व्यक्ति का धारदार शस्त्रों से वार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद राजेश के मां ने पाचपौली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि शुभम डोंगरे, मनोज गुप्ता, जैकी विश्वकर्मा, प्रतीक भैसारे, इनके साथ शुभम का विवाह चल रहा था, तो राजेश की हत्या उन्होंने ही की है। पुलिस के जांच की सुई उन चारों पर आट की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में और भी आरोपी शामिल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसकी तलाश पाचपौली पुलिस कर रही है, मगर हत्या की असली वजह क्या है ये सामने नहीं आई है। मगर संदेह यह है कि पुरानी रंजिश के चलते इस जुर्म को अंजाम दिया गया हो। काल रोजी पोलीस स्टेशन पाचपौली येथे माहिती मिळाली होती की एका इसमाला महात्मा फुले शाळेद्वार पांढऱ्याच्या समोर मारहाण झालेली आहे। अशा माहितीवरून तात्काळ पोलीस स्टेशनचा स्टाफ त्या ठिकाणी पोहोचला। जखमीला तात्काळ दवाखान्यात हलवण्यात आले। डॉक्टरांनी तपासून त्याला ब्रॉड डेड घोषित केले। यानंतर अधिक माहिती घेतली असता जखमीचं नाव हे राजेश मेश्राम राहणार समतानगर असे निष्पन्न झाले। त्यानंतर त्याची आई बेबी नंदा मेश्राम हिने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की मागे शुभम डोंगरे, मनोज गुप्ता आणि जॅकी विश्वकर्मा या लोकांसोबत मागे जुने त्याचा वादविवाद झालेला होता। या कारणावरून त्यांनी मनात राग ठेवून त्याचा पाठलाग केला आणि त्याला तलवारीने मारून गंभीर जखमी करून त्याच्या मरणास कारणीभूत झालेले आहे। एकूण प्राथमिक जी रिपोर्ट दिली होती बेबी नंदा मेश्रामने, त्यामध्ये तिने 3 आरोपींचे नाव सांगितले होते व इतर साथीदारांचे नाव पण घेतलेले होते। तर तपासादरबार आम्ही प्राथमिक 4 आरोपी गुन्ह्यात अटक केलेले आहे, त्यापैकी मनोज गुप्ता, शुभम डोंगरे, बिपिन विश्वकर्मा आणि प्रतीक भैसारे हे 4 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहे आणि पुढील तपास हे सहायक पोलीस आयुक्त लकडगंज विभाग श्री सचिन थोरबोले साहेब हे करत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।